Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System. As we discussed in our previous lecture about the methods of amplitude demodulators, or amplitude, you can say it as amplitude demodulation. ये जो methods थे उनको हम स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से बहुत अच्छा एक मेथड हमारे पास है एनवलप डायोड डिटेक्टर, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो एनवलप डायोड डिटेक्टर में हम डायोड की रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और डायोड की जो रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम कल स्टडी कर रहे थे, और आपको ये बताया गया था कि डायोड को कैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में या उस कंपोनेंट के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं. तो एनवलप डायोड डिटेक्टर में, जैसे आप इसका सर्किट देख पा रहे होंगे, तो एनवलप डायोड डिटेक्टर में एक हमारे पास डायोड रहता है, एक हमारे पास कैपेसिटर रहता है, और तीसरा जो कंपोनेंट हम यहाँ यूज करते हैं वो एक रजिस्टर को यूज करते हैं. यहाँ हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव का इनपुट देते हैं. ये डायोड वर्क करता है, कैपेसिटर वर्क करता है, रजिस्टर वर्क करता है, और यहाँ इन दोनों एंड्स के बीच में हमें एक मॉडुलेटिंग सिग्नल मिल जाता है. लेट मी क्लियर इट दैट इट इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, and this is modulating signal. That is the signal in which information is contained. That signal is known as modulating signal. So let's start it. So envelope diode detectors are most commonly employed in all types of homo radio receivers because of their large detection efficiency and also being practically free from distortion. तो बहुत अच्छी उनकी detection efficiency की वजह से, और practically free from the distortion, इस इन दोनों की वजह से जो envelope diode detectors हैं उनका हम home radio receivers के form में envelope diode detectors का use करते हैं. Linear diode detection utilizes the rectification properties of a diode. The modulated carrier voltage is applied to series combination of a diode and load impedance consisting of a resistor in parallel with a capacitor C. यहाँ आप देख सकते हैं एक हमारे पास diode है, और ये इसको अभी theoretically वो कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लोड इम्पेंडेंसेस, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस है. द सर्किट डायग्राम ऑफ एन एनवलप डायोड डिटेक्टर शोन इन द ऑन दिस फिगर. द सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ डायोड, अ कैपेसिटर दिस, एंड रेजिस्टर दिस. इन एनवलप डायोड डिटेक्टर वी यूज द रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड. तो इस डायोड की हम रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी इट इन दिस वे. दिस ओके, सो लेट्स फर्स्ट चेक द आउटपुट ऑफ एनवलप डायोड डिटेक्टर टू क्रॉस्पॉन्डिंग आउटपुट, और यू कैन से इट लेट्स फर्स्ट चेक द आउटपुट ऑफ एन एनवलप डायोड डिटेक्टर फॉर ए सिंपल साइन वेव सिग्नल एंड इट्स इनपुट एंड एनालिसिस द क्रॉस्पॉन्डिंग आउटपुट. ओके, अब मुझे ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये आपको फिगर दोनों पेजेस की दिखानी पड़ेंगी, तो मुझे ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. लेट मी एडजस्ट इट. ओके, लेट मी एडजस्ट इट दिस इन दिस वे. लेट मी एडजस्ट इट इन दिस वे. दिस is the figure I want to show you. This type. Okay, now you can see it. This. This. So let's first check the output of an envelope diode detector for a simple sine wave signal as its input and
एनएस इज द करस्पॉन्डिंग आउटपुट. तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी वर्क से मेरा मतलब ये है कि जो हम मॉड्यूलेटिंग आउट इनपुट दे रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग आउट इनपुट देते हैं और उसकी वजह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमें मिल जाता है. इससे पहले कि हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इनपुट दें किसी डायोड डिटेक्टर को, तो पहले एक साइन वेव को चेक कर लेते हैं कि साइन वेव का बिहेवियर कैसा रहता है. जब हम किसी साइन वेव को इनपुट देते हैं, किसी साइन वेव की इनपुट देते हैं टू द एनवलप डायोड डिटेक्टर, तो उसका कैसा बिहेवियर रहता है वो हम यहाँ चेक करने वाले हैं इस प्रोसेस में. और अकॉर्डिंग टू दैट जैसा रिजल्ट एनवलप डायोड डिटेक्टर का आएगा यहाँ से, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट, मॉड्यूलेटेड वेव का जब इनपुट देंगे तो अकॉर्डिंगली आउटपुट कैसा आता है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो सिंपली, फॉर सिंपलिसिटी आप ये कह सकते हैं, फॉर सिंपलिसिटी अ साइन वेव सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ए एनवलप डायोड डिटेक्टर एंड एनालिसिस द करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ दिस एनवलप डायोड डिटेक्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. ये हमारे पास कोई साइन वेव की इनपुट है और जब ये सिग्नल हाईएस्ट, अपने हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे पहुंचता है, इसको हम प्लस ए कह रहे हैं, इसको हम माइनस ए कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड को प्लस ए, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, और जो निगेटिव पीक है एम्पलीट्यूड की वो हम माइनस ए से यहाँ डिनोट कर रहे हैं. इस तरह की जो इनपुट है जब वो एक डायोड डिटेक्टर में जाती है, एनवलप डायोड डिटेक्टर में जाती है, तो वहाँ हमें क्रॉसपोंडिंग आउटपुट मिलती है. अब ये फंक्शन कैसे करता है, देखिए डायोड का फंक्शन क्या है, यहाँ डायोड काम कैसे करेगा, ये इस पोर्शन का हमें वर्क देखना है, इस पोर्शन का वर्क देखना है क्रॉसपोंडिंग टू दिस इनपुट. और जैसा ये इनपुट के साथ यहाँ बिहेवियर करेगा, उस बिहेवियर को नोट करते हुए जो क्रॉसपोंडिंग आउटपुट आएगी उसको एनालिसिस करेंगे और फिर यही कंसेप्ट हम आगे फॉलो करेंगे टू द इनपुट ऑफ ए मॉड्यूलेटेड वेव और क्रॉसपोंडिंग आउटपुट फिर हम चेक करेंगे. ओके, सो देखिए कि जब एनवलप डायोड डिटेक्टर को इस तरह की इनपुट मिलती है तो ये इस इनपुट के इस हिस्से के लिए, अगर आप सही से देख पा रहे हो, इस हिस्से के लिए ये यहाँ जीरो से जब इसका वेव का जो एम्पलीट्यूड है, जो साइन वेव इनपुट में हम इसको दे रहे हैं, इसका जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से बढ़ना शुरू होता है और वो यहाँ तक जाता है, अपने हाईएस्ट एम्पलीट्यूड को अचीव करता है. ये टाइम को हमने कहा है T1. इस टाइम तक की फिनोमिना को हम स्टडी कर रहे हैं. क्या होता है कि चूंकि डायोड का ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, तो डायोड क्या रहता है, जब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज डायोड को मिलेगा तो पी रीजन का जो वोल्टेज रहेगा वो एन रीजन के वोल्टेज से ज़्यादा होगा. तो डायोड इस समय फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी डायोड क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किटेड रहेगा इस कंडीशन में. डायोड क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि डायोड में करंट फ्लो होगी, डायोड में करंट फ्लो होगी. अब आगे के फिनोमिना स्टडी करते हैं. फिर क्या होता है कि इस पीक वोल्टेज के बाद यहाँ ये वोल्टेज घटना शुरू हो जाता है और घटना शुरू होने के कारण यहाँ का जो वोल्टेज है पी रीजन का जो वोल्टेज है वो एन रीजन की कंपैरिजन में कम होने लगता है, यानी डायोड रिवर्स बायस होने लगता है और डायोड कट ऑफ कंडीशन में चला जाता है, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होती. ये बात तो हुई केवल करंट की. अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं. होता क्या है कि जब ये वोल्टेज का, मैं थोड़ा सा आपको, हाँ वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, तो लेट्स मेक इट नॉट वेरी क्लियर. सो लेट्स वन मोर रोटेशन, प्लीज बियर विद इट. सो आपको क्लियर ये दिखाई दे, इस वजह से ये सब एडजस्टमेंट किया जा रहा है. क्लियर आपको दिखाई दे. ओके, सो ये जो इनपुट रहती है डायोड की, अब मैं आपको अच्छे से ये क्लियर कर पाऊंगा आई थिंक.
थोड़ा सा इसको और हम जूम करके इस बात को समझ सकते हैं। देखिए अब आपको ठीक से दिखाई देगा और समझ भी शायद आएगा। तो ये है कि जब इनपुट का ये वाला हिस्सा है, ओके, इनपुट का ये वाला हिस्सा है, तो यहां से वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है और वोल्टेज बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है और अपने पीक को अचीव करता है, अपने पीक एम्पलीट्यूड को अचीव करता है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है इसको मैंने टी वन कहा, यानी टाइम टी वन तक, मैं इसको कह सकता हूं टाइम टी वन तक जो डायोड के पी रीजन का वोल्टेज रहता है वो डायोड के एन रीजन के वोल्टेज से, वोल्टेज के कंपेरिजन से, कंपेरिजन टू वोल्टेज ऑफ एन रीजन, वो पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिव रहने के कारण ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस रहता है, फॉरवर्ड बाइस होने के कारण इसमें से करंट फ्लो होगी। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए दूसरा जो रीजन है यहाँ वो ये वाला रीजन है, यहाँ से जो पीक वोल्टेज है वो कम शुरू होता है होना और कम होता है और अंत में क्या हो जाता है, एक समय आकर जीरो हो जाता है। तो यानी पी रीजन के कंपेरिजन में एन रीजन का वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है और डायोड कट ऑफ कंडीशन में चला जाता है। यानी ये जो डायोड में से करंट फ्लो हो रही थी पहले वो अब फ्लो नहीं हो पाती है, यानी केवल यहां से यहां तक इस हिस्से के लिए डायोड कंडक्ट करता है और बाकी यहां से 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 यहां तक डायोड कंडक्ट नहीं कर पाता है, यानी डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं होती। अब होता क्या है कि जब पहले उस हिस्से की बात करेंगे जहां डायोड कंडक्ट करता है और फिर हम उस हिस्से पे आएंगे जहां डायोड कंडक्ट नहीं करता है। ओके, अब डायोड के कंडक्शन की स्थिति ये है कि डायोड ये का वोल्टेज यहां से शुरू होता है और जब अपने पीक वोल्टेज तक रहता है तो डायोड कंडक्ट करता है, यानी डायोड शॉर्ट सर्किटेड रहता है, डायोड में कंडक्शन होता है, डायोड में से होकर करंट फ्लो होती है। तो इस स्थिति में जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, यानी करंट यहां से फ्लो होती है और जो ये कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर चूंकि ये करंट यहां से फ्लो होगी, करंट आएगी कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करंट आएगी तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। ओके, कब चार्ज होता है कैपेसिटर, जब करंट क्या, जब डायोड क्या रहे, शॉर्ट सर्किटेड रहे, यानी डायोड में से करंट फ्लो हो, डायोड में से करंट फ्लो हो, दैट इज व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज व्हेन द डायोड इज इन कंडक्शन स्टेट, कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, चार्ज करना शुरू कर देता है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है, क्योंकि डायोड में से करंट फ्लो होगी, करंट आएगी कैपेसिटर के पास और कैपेसिटर उस करंट की वजह से चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, ये हमारे पास वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म, साइन वेव वेव फॉर्म है एज इनपुट। अब यहां से के बाद इस डायोड का वोल्टेज कम होने लगता है, यानी जो इनपुट वोल्टेज है डायोड का वो कम होने लगता है और डायोड एक कंडीशन पे आके जब पी रीजन का वोल्टेज एन रीजन के वोल्टेज की अपेक्षा कम हो जाता है तो डायोड कट ऑफ कंडीशन में चला जाता है, यानी एक ओपन सर्किटेड सर्किट हो जाता है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है कि डायोड जब निगेटिव वोल्टेज यहां से इनपुट आता है तो डायोड हो जाता है ओपन सर्किटेड, और जब ओपन सर्किटेड हो जाता है डायोड तो ये चूंकि डायोड ओपन सर्किटेड, अब यहां से कोई करंट थोड़ा ही ना आ रही, जैसे यहां शॉर्ट सर्किटेड की कंडीशन में तो यहां से करंट फ्लो हो रही, तो जो कैपेसिटर था वो चार्ज होना शुरू हो जा रहा था, लेकिन जब डायोड ओपन सर्किटेड रहता है तो फिर यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हो पाता, इवन जो कैपेसिटर है वो इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर, ये देखिए जो एरो यहां इस तरह से दिखाया गया है वो इसी कारण दिखाया गया है कि कैपेसिटर इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, कैपेसिटर इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। कब, जब ये डायोड क्या हो जाता है, ओपन सर्किटेड, और डायोड ओपन सर्किटेड कब होगा, जब ये वोल्टेज
ये जो इनपुट वोल्टेज है ये घटनी शुरू होती है विद रेस्पेक्ट टू पी रीजन एंड एन रीजन, ओके। और ये जो डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है तब बन जाती है, ये जो कैपेसिटर है इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। यानी ओपन सर्किटेड कंडीशन में जब पी रीजन का वोल्टेज एन रीजन के वोल्टेज से कम हो जाता है तो डायोड कट ऑफ की कंडीशन में पहुंच जाता है और ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज शुरू हो जाता है थ्रू रेजिस्टर आर। लेकिन ये कंडीशन कब तक बनी रहेगी? अब देखिए कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो इनपुट वोल्टेज है इसका वेव फॉर्म घूम के निगेटिव अपने निगेटिव को लेता है और फिर ये जीरो की तरफ बढ़ जाता है, जीरो से फिर ये पॉजिटिव होना शुरू करता है और एक टाइम T2 पर, ये टाइम T2 एक ऐसा समय है जब कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो, आई रिपीट इट, जब कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो ये डायोड फिर से कंडक्शन शुरू कर देता है। यानी P रीजन का जो वोल्टेज है फिर से N रीजन की अपेक्षा पॉजिटिव हो जाता है, यानी डायोड को पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई मिलती है, डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, डायोड कंडक्शन करता है, डायोड में से करंट फ्लो होती है और फिर से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है जब डायोड शॉर्ट सर्किटेड होता है, डायोड में से होकर करंट फ्लो होती है, वो करंट कैपेसिटर के पास पहुंचती है और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है, कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता है, ओके। तो ये जो फिनोमिना यहां हो रही है जब डायोड ओपन सर्किटेड है, जब डायोड शॉर्ट सर्किटेड है, इनको हम वेव फॉर्म में कैसे दिखेंगे? यानी अभी तक हमने तीन कंडीशन पे डिस्कस किया, ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां जब डायोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिला तो डायोड पीक एम्पलीट्यूड तक कंडक्शन लेवल में था, कंडक्शन पोजीशन में था। जब ये कंडक्ट कर रहा था तो यहाँ करंट पहुँच रही थी कैपेसिटर सी तक, कैपेसिटर सी तक करंट पहुँच रही थी तो ये चार्ज हो रहा था, चार्जिंग कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज घटना शुरू हुआ और निगेटिव तक गया तो ये जो पी रीजन का वोल्टेज है एन रीजन की अपेक्षा कम हो गया और ये जो डायोड है ये कट ऑफ कंडीशन में आ गया, ये ओपन सर्किटेड हो गया, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हुई। तो इस समय में जब डायोड से कोई करंट नहीं आ रही तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है थ्रू रेजिस्टर आर। और डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इसका मतलब ये है कि डायोड का जो वोल्टेज है वो लगातार कम होता रहेगा, डायोड का वोल्टेज कम होता रहेगा और एक समय जरूर ऐसा आएगा जब ये पीक वोल्टेज निगेटिव पीक को प्राप्त करेगी, जो माइनस ए से हमने डिनोट किया है, निगेटिव एम्पलीट्यूड को, पीक निगेटिव एम्पलीट्यूड को अटेंड करती है और फिर से पॉजिटिव की तरफ यानी जीरो की तरफ बढ़ जाती है। और एक समय जिसको हमने T2 से यहाँ डिनोट किया गया है, एक समय ऐसा आता है जब इनपुट वोल्टेज, जो ये वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज जो T2 समय पे हम कह रहे हैं, ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो जाता है और कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होते ही ये जो P रीजन का वोल्टेज है ये पॉजिटिव हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू N रीजन और डायोड फिर से कंडक्शन शुरू कर देता है और फिर से ये कैपेसिटर रिचार्ज होना शुरू हो जाता है और ये फिनोमिना अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाती है। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी इन रेस्पेक्ट टू या विद रेस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ साइन वेव एज अ इनपुट, आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी? तो आउटपुट वेवफॉर्म को देख लेते हैं, ये इस तरह की हमारी आउटपुट वेवफॉर्म होंगी। ये At time T2, when the capacitor voltage equals to the input voltage, the capacitor starts charging again and this cycle will repeat again and again. कैसे? देखिए, यहाँ तक हमारी input voltage गई, जहाँ तक ये dark line बनी हुई है, जो dark shaded line है, यहाँ तक, और यहाँ तक डायोड कंडक्शन करता है। डायोड के कंडक्शन करने से मतलब है ये कैपेसिटर जो है, ये वाला कैपेसिटर, ये चार्ज होना शुरू हो जाता है इस रीजन के लिए, ये चार्ज होता है फ्रॉम जीरो टू पीक पॉजिटिव वोल्टेज इस रीजन के लिए ये कैपेसिटर
चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये वोल्टेज घटना शुरू होता है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ बनाई गई, इस रीजन के लिए डायोड कंडक्ट नहीं करता, यानी डायोड जो कंडक्ट करता है केवल इस रीजन के लिए कंडक्ट करता है। जो सोलिड लाइन या डार्क लाइन यहाँ बनाई गई है, जो डॉटेड लाइन है, इस रीजन के लिए डायोड कंडक्ट नहीं करता। और जैसे ही ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर होता है, ये वाला, ये कैपेसिटर, चूंकि इस रीजन के लिए जो डॉटेड रीजन है, इस रीजन के लिए कैपेसिटर को कोई इनपुट करंट तो नहीं मिल रही, तो ये क्या करता है, ये कैपेसिटर ये इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो डिस्चार्ज होने से क्या होगा, इसका वोल्टेज घटेगा, और जब ये वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के, इस टाइम T2 को जो वोल्टेज हमने कहा है, इसके क्रॉसपोंडिंग जो वोल्टेज है, इसके बराबर हो जाता है, तो फिर से ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, और ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर से स्टार्ट चार्जिंग। और इस रीजन के लिए फिर से कंडक्शन करता है, और इस रीजन के लिए डायोड फिर से चार्ज होता है, फिर से वही फिनोमिना होती है, कट ऑफ की कंडीशन आती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आता है, फिर से डायोड कंडक्शन करता है, यानी कंडक्शन कट ऑफ, कंडक्शन कट ऑफ, ये वाली जो कहानी है डायोड के साथ, ये लगातार चलती रहती है, डायोड के साथ ये रिपीट होती रहती है। ओके, तो ये वाली जो वेव फॉर्म हमें आउटपुट मिली है विद रेस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म एट इनपुट, विद रेस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म एट इनपुट, इस तरह की जो आउटपुट वेव फॉर्म हमें मिली है, ये इसको अगर हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इसका फॉर्म कुछ इस तरह करेगा, ये पीक वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज, चार्ज के बाद इस पोर्शन के लिए डिस्चार्ज, फिर इस पोर्शन के लिए चार्ज, और फिर इस पोर्शन के लिए डिस्चार्ज, यानी दिस इज क्लियर फ्रॉम द अबव आउटपुट, यानी दिस आउटपुट दैट डायोड कंप्लीटली रेक्टिफाइड द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइंस एंड कोसाइन वेव, यानी ये जो साइकिल, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल्स थी, ये वाली यहाँ आपको आउटपुट जो वेवफॉर्म अभी हमने स्टडी की, यहाँ आपको कहीं भी, और यहाँ भी डॉटेड इसलिए बनाई गई है चूंकि रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगी डायोड की। तो इस कारण ये जो डायोड है, एनवलप डायोड, डायोड डिटेक्टर, इसको बार बार ये कहा जा रहा है कि यूज द रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड, इट यूजेस द रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड। ओके, तो इस वेवफॉर्म से ये क्लियर है कि यहाँ आपको कोई भी निगेटिव, जो निगेटिव रीजन है, निगेटिव एम्पलीट्यूड रीजन है, यहाँ कोई भी आपको वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर इस तरह की वेवफॉर्म को आप स्मूथिंग फिल्टर के पास भेज देते हैं, स्मूथिंग फिल्टर आप लगा देते हैं, यानी ये जो वेवफॉर्म आपको मिली है, ये वाली जो वेवफॉर्म आपको मिली है, इसके, इसको आप भेज देते हैं स्मूथिंग फिल्टर्स में, यानी एक फिल्टर्स का आप LC फिल्टर, RC फिल्टर और बहुत तरह के फिल्टर्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो इस, ये जो फ्लक्चुएशन हल्का सा हो रहा है यहाँ आउटपुट में, इसको वो स्मूथ कर देते हैं, और इस तरह का DC सिग्नल हमें, एक स्टेबलाइज DC सिग्नल हमें यहाँ से मिल जाता है। और अगर कंपेयर करें आप इन दोनों सिग्नल्स की, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ भी जो साइन वेव के पीक एम्पलीट्यूड्स हैं, साइन वेव को जो इनपुट हमने दी थी, ये जो इनपुट दी थी, अगर इन पीक एम्पलीट्यूड्स को आप मिलाएं एक लाइन से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एग्जैक्ट सिमिलर वेवफॉर्म आपको यहाँ मिलती है। यानी अगर आपको साइन या कोसाइन वेव एक इनपुट के फॉर्म में आप लेते हैं किसी भी एनवेलप डायोड डिटेक्टर के, तो हमें एक कॉन्स्टेंट सिग्नल के फॉर्म में आउटपुट मिलती है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस इनपुट साइन वेव सिग्नल के एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड या पीक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा एनवलप डायोड डिटेक्टर वर्क करता है, एनवलप डायोड डिटेक्टर वर्क करता है किसके लिए, अगर हम एनवलप डायोड डिटेक्टर को एक साइन वेव का इनपुट दें, लेकिन साइन वेव का इनपुट देना तो हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा ये है कि ये जो हमारा एनवलप डायोड डिटेक्टर है, ये वाला,
इसको हम जो इनपुट दें एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट, मॉड्यूलेटेड वेव का इनपुट दें यहाँ, और ये जो वापस हमें दे, ये जो आउटपुट में हमें दे, वो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमें आउटपुट वेवफॉर्म के रूप में हमें वापस दे। ये तो केवल एक एग्जांपल था कि साइन वेव के साथ कैसा बिहेवियर रहता है, किसका, एनवलप डायोड डिटेक्टर का। यानी साइन वेव को अगर एक इनपुट वेवफॉर्म के रूप में आप इसको दें, इनपुट के रूप में आप इसको दें, तो किस तरह का बिहेवियर ये शो करता है टू द आउटपुट वेवफॉर्म, किस तरह का। और वो हमने अभी आपको दिखाया कि इस तरह का ये बिहेवियर शो करता है। यानी ये जो एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई, आप इसे कह सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्मूथिंग फिल्टर्स, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई हमें देता है। और डीसी सप्लाई हमने कल के लेक्चर में भी बात की थी कि डीसी सप्लाई हमें डायोड से कब मिल सकती है, डीसी सप्लाई डायोड से हमें डीसी सप्लाई केवल उसके रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टीज की वजह से हमें मिल सकती है। यानी वो जो निगेटिव हाफ साइकिल्स हैं उनको वो कम्प्लीटली रिमूव कर दे वहाँ से, तो वो रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है। और ये डीसी सप्लाई इस तरह का एक रिजल्ट और भी प्रोडिक्ट करती है कि ये जो डीसी सप्लाई का पीक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो एम्पलीट्यूड है वो उसके बराबर ही रहता है। तो इस तरह का साइन वेव के साथ बिहेवियर रहता है ये किसका, ये एनवलप डायोड डिटेक्टर का। लेकिन एनवलप डायोड डिटेक्टर को अभी हम जो आगे यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू गेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाई अप्लाइंग अ मॉड्यूलेटेड वेव एज द इनपुट ऑफ एनवलप डायोड डिटेक्टर। यानी इस साइन वेव के जगह पे, इस साइन वेव के स्थान पर हम एक मॉड्यूलेटेड वेव को इसकी इनपुट रखेंगे और क्रॉसपोंडिंग जो आउटपुट है उसे चेक करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि इसका जो बिहेवियर है, इसका जो व्यवहार है, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा व्यवहार साइन वेव के प्रति इसका रहा है। यानी जैसा एक्शन साइन वेव के प्रति इस एनवलप डायोड डिटेक्टर का रहा है, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बिहेवियर इस एनवलप डायोड डिटेक्टर का रहेगा मॉड्यूलेटेड आउटपुट में, मॉड्यूलेटेड इनपुट के प्रति। क्योंकि आपको ये पता है कि मॉड्यूलेटेड इनपुट में हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं कैरियर वेव्स और दूसरी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटेड वेव्स। ये देखें, इस वेव फॉर्म से आप परिचित होंगे। ये वाला सिग्नल हमें यहाँ से करना है, ये वाली, ये मॉड्यूलेटेड जो फॉर्म है, मॉड्यूलेटेड जो एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटेड जो वेव है, इसको यहाँ इनपुट देना है। यहाँ देखिए ऐसे, इसको यहाँ इनपुट देना है इसकी जगह, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब ये मानिए आप इस मॉड्यूलेटेड वेव को इनपुट देना है इस एनवलप डायोड डिटेक्टर में। और टारगेट ये रहेगा कि ये जो सिग्नल है, ये जो इंफॉर्मेशन जहां छिपी हुई है, ये मुझे मिल जाए, क्योंकि ये यहां भी छिपा हुआ है। ये देखिए, ये तो मॉड्यूलेटेड जो वेव है इसका इनपुट देना है इस एनवलप डायोड डिटेक्टर में, और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मुझे यहाँ से प्राप्त करना है। ये जो साइन वेव का है ये केवल एक एग्जांपल है, मेन टास्क ये है मेरा, मेन टास्क मेरा ये है कि मैं किस तरह से जब मॉड्यूलेटेड वेव का इनपुट इस डायोड डिटेक्टर में दूंगा तो मुझे इस तरह का वेव फॉर्म, इस तरह का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाना चाहिए, इस तरह का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये मेरा टास्क रहेगा इस एनवलप डायोड डिटेक्टर से। तो ये मेरा एक एग्जांपल था साइन वेव के प्रति या साइन वेव के लिहाज से किस तरह का बिहेवियर रहता है एनवलप डायोड डिटेक्टर का। और इन वेवफॉर्म्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का बिहेवियर रहेगा एनवलप डायोड डिटेक्टर का टू द क्रॉसपोंडिंग इनपुट। अगर साइन वेव का इनपुट देते हैं तो कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा, और इसे और मैग्नीफाइंग फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आउटपुट हमें मिलती है। ये जो रिपेल्स हैं,
अब मैं इनको रिपल्स कह रहा हूँ, जो हल्का सा फ्लक्चुएशन यहाँ आ रहा है इनको मैं रिपल्स कह रहा हूँ, तो इन रिपल्स को आप दूर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्मूथिंग फिल्टर्स। और स्मूथिंग फिल्टर्स को जब आप यूज़ करते हैं तो स्मूथिंग फिल्टर्स को यूज़ करने के बाद जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलती है वो आपको कुछ इस तरह की मिलती है, आउटपुट वेव फॉर्म कुछ इस तरह की मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।